हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। और उसके लिए मैं आलू मैंने रख दिए हैं धो के बॉईल होने के लिए। तो आलू बॉईल हो जाते हैं जब तक हम आटा गूंद लेते हैं। तो ये मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं, जब तक आलू बॉईल होंगे जब तक हम ये आटा गूंद लेते हैं। आटा फीका ना लगे इसलिए हम इसमें थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आलू के पराठे बताने जा रही हूँ बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाली है। अब ये हमारे आलू बॉईल हो गए हैं तो चलो अब इसे छील लेते हैं। तो अब हम जल्दी से इसको छील के रेडी कर लेते हैं। तो हमारे आलू छील गए हैं और अब इसको एकदम बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। अभी थोड़े से गर्म है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एकदम बारीक बारीक मिला देंगे। तो अब हम अपने आलू में थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और तेल डाल के इसको मिला लेंगे। तो हमने इसके लिए लाल मिर्च ली है साबुत वाली और उसको पका के एकदम क्रश कर लिया है और उसके बाद मिला दिया है इन सबको। उसके बाद हमारा आटा भी तैयार था। तो अब हम आटे में आलू को भरते हैं। तो हमने आटे में इस तरीके से आलू को भर लिया है। मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है इसलिए मैंने एक ही हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, इसलिए वीडियो सही से नहीं आ पा रही है। बट आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद हम अब इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा बेलेंगे ताकि हमारे आलू भी बाहर ना निकले। और फिर इस तरीके से तवे पे बहुत कम तेल या घी, जो भी आप पसंद करते हो वो डाल के आप सेक सकते हो इसको। अच्छी तरह सेकने के बाद आपके गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें और वीडियो शेयर करें। और अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए।